हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है। आज हम आपको दिखाते हैं सेलक्रोनिक का इन्वर्टर है और सेलक्रोनिक की ये बैटरी है, 100 एच की ये बैटरी लगी हुई है। और आज हम आपको दिखाते हैं ये सिस्टम कैसे सेटिंग करते हैं, इसकी पूरी सेटिंग दिखाते हैं आपको। इसकी लगभग सेटिंग पीछे से कंपनी से होके आती है, सिर्फ हमें इसमें क्या करना होता है, इन्वर्टर को चालू करने से पहले इसके अंदर बैटरी सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है, बाकी और सेटिंग पीछे से कंपनी से आती है कम्प्लीट। इसके अंदर बैटरी सेलेक्ट करने के लिए इस बटन, इंटर वाले बटन को दबा के रखना है, और जैसे ही यहाँ पे ये फ्लैश करने लग जाए, नीचे ये 01 दिखाने लग जाए, उसके बाद में आप ये बटन दबाएंगे, बैटरी ऑप्शन पर लेके आएंगे। बैटरी ऑप्शन पर लाने के बाद में फिर हमें इंटर वाला बटन दबाना है। अभी हमारी बैटरी कौन सी है, मान लो लिथियम बैटरी है, तो लिथियम बैटरी पर LiIO1 लाइन ऑन बैटरी सेलेक्ट करनी पड़ती है। अगर हमारी बैटरी है लीड एसिड बैटरी, तो यहाँ पे अपने लीड एसिड बैटरी सेलेक्ट करनी होती है। ये देख लो आप, लीड एसिड बैटरी हो गई। लीड एसिड बैटरी करते ही जो अपने ये बैटरी आती है, जैसे मान लो आपको दिखाते हैं ये बैटरी है, ये सेलेक्ट करते ही ये इन्वर्टर ऑटोमेटिकली वोल्ट एम्पेयर सारा कुछ सिस्टम दिखाने लग जाता है। अभी हमारी बैटरी है इसमें लिथियम बैटरी। लिथियम बैटरी में हमें सेलेक्ट करना पड़ता है लियोन बैटरी, तो इसको हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद में बैटरी का ब्रांड होता है, बैटरी का ब्रांड लगभग इसकी बैटरी के ऊपर लिखा होता है, ये रहा 2.0, मेरे हिसाब से 2.2 होता है जिसे बैटरी पर लिखा है अभी। तो ये हमें सेलेक्ट करना होता है बैटरी का ब्रांड। इसको सेलेक्ट करते ही ये इन्वर्टर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, फिर ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद में यहाँ पर बैटरी के वोल्ट वगैरह दिखाने लग जाएगा, फिर इन्वर्टर आपका ऑन हो जाता है। ये सेटिंग नहीं की होती है तो ये ऐसे 0-0 दिखाता है सारा कुछ, बैटरी भी नहीं दिखाता, कुछ भी नहीं दिखाता। अभी नीचे से इसके नीचे बटन दिया हुआ है इन्वर्टर ऑन वाला, एक ये और ये पावर ऑन के लिए होता है, ये पहले ऑन करना होता है। ये ऑन नहीं करेंगे तो इसकी डिस्प्ले नहीं आएगी। अभी हमने इन्वर्टर को ऑन कर दिया है, अभी ये ऑन हो गया, अभी ये सिस्टम चालू हो गया, अभी सारा कुछ सिस्टम दिखाना शुरू हो गया, बैटरी वोल्ट एम्पेयर, आगे ये इन्वर्टर क्यूब सप्लाई देने लग गया। अभी फ़िलहाल आगे घर का लोड कुछ भी नहीं चल रहा, 0 है। अभी इसके अंदर है AH50 ही दिखा रहा है, इसको 100 एच करना होगा, तो हमें सेलेक्ट करना होगा पहले, उसके बाद में होगा। ओके दोस्तों।